डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज, लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इस किताब को संक्षेप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अध्याय एक, अहमदनगर का किला। 20 महीने। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। हमें यहाँ आए हुए 20 महीने से अधिक का समय हो गया है। 9वीं जेल यात्रा का 20 महीने से भी अधिक समय अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने यहाँ पहुँचने पर हमारा स्वागत किया। बढ़ते चांद का उजाला शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का एक महीना और बीत गया है। ऐसा ही मेरे पिछले कारावास की अवधि में हुआ, जो आलोक पर्व दीपावली के तत्काल बाद नए चांद के साथ शुरू हुई थी। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। पहचान गहराने से मित्रता और बढ़ गई। वहीं मुझे दुनिया के सौंदर्य की, जीवन के ज्वार भाटे की याद दिलाता है। साथ ही इस बात की भी कि अंधेरे के बाद उजाला होता है और मृत्यु और पुनर्जीवन एक दूसरे के पीछे अनंत क्रम में घूमते रहते हैं। निरंतर बदलते रहने के बावजूद हमेशा वैसा ही होता है ये चांद। मैंने उसे उसकी विभिन्न कलाओं और तरह तरह के मनोभावों को देखा है। साथ ही लंबी होती परछाई में, रात के मौन प्रहरों में और तब जब जो भोर के झोंके और मरमराहट आने वाले दिन की आस बढ़ाते हैं। अतीत का भार। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू किया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ खोदकर तैयार करने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पहले बनाए गए मकानों के मलबे और अवशेषों से भरी हुई। उसमें प्राचीन स्मारकों के खंडर भी मौजूद थे, इसलिए चूंकि यह इतिहास स्थल है, अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियां देखी हैं। भारत के पूरे इतिहास की दृष्टि से यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं। घटनाओं के बेहतर संदर्भ में इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं, पर इनमें एक घटना और उसे विशिष्ट है और आज भी याद की जाती है। यह है चांद देवी नामक एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए तलवार हाथ में उठाकर अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया। उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। इस अभागी धरती की खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और गुम्बदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि अधिकारियों ने गहरी खुदाई करने और पुरातात्विक खोजबीन करने की अनुमति नहीं दी थी और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। एक बार हमें एक तरफ दीवार पर पत्थर पर गुदे हुए सुंदर सफ़ेद कमल की आकृति मिली। शायद यह पत्थर दरवाजे के ऊपर रहा होगा। अब मैंने अपनी कुदाल छोड़कर उसके बदले कलम उठा ली है। मैं वर्तमान के बारे में तब तक नहीं लिख सकता जब तक उसे कर्म के माध्यम से अनुभव करने के लिए मैं आज़ाद नहीं हो जाता। ना ही मैं पैगंबर की भूमिका अपनाकर भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बच रहता है अतीत पर। मैं बीती हुई घटनाओं के बारे में किसी इतिहासकार या विद्वान के विद्वतापूर्ण शैली में भी नहीं लिख सकता। मैं उसके बारे में उसी ढंग से लिख सकता हूँ जिस तरह मैंने पहले भी लिख चुका हूँ। अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ उसका कोई संबंध स्थापित करके गेटे ने एक बार कहा है कि इस प्रकार का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव। भला बुरा दोनों तरह का दबाव अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं, निथे ने कहा था, बीती हुई सदियों का विवेक ही नहीं उसकी दीवानगी भी हमारे भीतर फूट पड़ती है। उसका बारिश होना आवश्यक है। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उस सबका जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया है, उस सबका जिसके बारे में उसने विचार किया, महसूस किया, भोगा और जिन बातों से उसने खुशियां हासिल की, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरतअंगेज साहसी कार्यों का जिसकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है,
और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ और उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। पर हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है, लेकिन यह कोई अनोखी बात नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों के एकदम अलग नहीं होता। मानव जाति के लिए सभी बातें समान हैं। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में जगह बनाए हैं और मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। अध्याय 2, तलाश। भारत के अतीत की झांकी। चिंतन और सक्रियता से भरे इन सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने का प्रयास करता रहा हूँ। मैं अपने बचपन की ओर लौटा और यह याद करने की कोशिश की मैं तब कैसा महसूस करता। मेरे विकासशील मन में इस अवधारणा ने कैसे अस्पष्ट रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। अपने भौतिक और भौगोलिक पक्षों के अलावा आखिर यह बात, यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उस समय इसे शक्ति देने वाला तत्व क्या था? उसने अपनी उस प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज इसके पास कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व में इसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा था और उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे सहज रोमांचित करता था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया, ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम से रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मैं उसके दृष्टिकोण और रूप रंग को भी बदल कर उसे आधुनिकता का जामा पहनाने के लिए उत्सुक भी था और चिंतित भी था, किंतु मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, उसमें बहुत कुछ ऐसा था जिसे खारिज किया जाना चाहिए था, बल्कि उसे खारिज करना जरूरी था। लेकिन अगर भारत के पास कुछ यह नहीं होता तो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है। वह बहुत कुछ जो सार्थक है तो भारत का वह वजूद नहीं होता जो असंदिग्ध रूप से आज है और वह हजारों वर्षों तक अपने सब अस्तित्व की पहचान के रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। यह विशेष तत्व आखिर क्या था? मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी हुई थी जिसके समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। प्रोफेसर चाइल्ड ने लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विशेष पर्यावरण के साथ मानव जीवन के बेहतरीन समायोजन का आदर्श नमूना है जिसे वर्षों के धीरतापूर्वक प्रयास से ही हासिल किया जा सका होगा। यह स्थायी रूप से टिका रहा। इसकी विशेषता इसकी ठेठ भारतीयपन और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे और वह भी स्थिर अपरिवर्तनशील अर्थ में नहीं, क्योंकि भारत तो बराबर परिवर्तनशील और विकास समान रहा है। फारस मिस्र ग्रीस चीन अरब मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा है। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुए, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? यह इसने आखिर कहां से पाई? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिम और मध्य एशिया से आए थे और अपने यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैंने पूर्वी एशिया, अंकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराना मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है।
और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। मैंने उनसे केवल वर्तमान की सजीवता, सौंदर्य और तेजस्विता को ही नहीं देखा, बल्कि अतीत की स्मृति में बसे उनके मनमोहक रूप को साक्षात्कार भी किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले और काफिले और फौजें आती रहीं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तरवर्ती पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच में बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती और फिर पहाड़ और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक के संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्रित है, इन सबसे बढ़कर है। भारत की नदी गंगा, जिसे इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और अनगिनत लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। अपने उद्गम से सागर तक, प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। साम्राज्यों के उत्थान और पतन की कहानी है। महान वैभवशाली नगरों की कहानी है। मनुष्य के साहसपूर्ण अभियानों और उसके मस्तिष्क की खोज की कहानी है, जिसने भारत के चिंतकों को व्यस्त रखा और जीवन के वैभव और पूर्णता के साथ ही उसके निषेध और त्याग की कहानी है। उतार और चढ़ाव की कहानी, विकास और नाश की कहानी है, जीवन और मृत्यु की कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा, अजंता एलोरा एलिफेंटाई गुफाएं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहां का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार के महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूं और देखता हूं कि वहां अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ के दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णन की याद आ जाती है, गो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की एक अंतर्दृष्टि दी। एक निपट बौद्धिक समझ के साथ भावात्मक संवेदन का संयोग हुआ और मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इन्हीं लोगों ने अपने विवेक के सहारे ऐसा ढांचा तैयार किया जिसने भारत को सांस्कृतिक स्थिरता दी, ऐसी स्थिरता जो हजारों वर्ष बनी रही। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता, उस विशेष स्थान संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे शानदार भाषा में बात करते थे और मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद करता। वह नई जानकारियों के लिए जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ मुझे बाहरी आक्रमणों और उथल पुथल से भरी इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला, अब भारत की शक्ति और सीमा, भारत की शक्ति के स्रोतों
और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हल्के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकलीफ की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप, जो तमाम बातों में एक जमाने में पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गए। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी और ऐसे हौसलेवंद जीवन शक्ति और मानसिकता थी जिसकी अभिव्यक्ति बहुत से कार्यकलापों और आविष्कारों की रोमांचक यात्राओं के माध्यम से होती। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप देशों को सैनिक बल दिया और उसके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदी में उत्तरोत्तर गिरावट का आवास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है, छीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति के जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ अपनी चमचमाती लंबी व्याख्याओं के साथ साथ शब्दाम्बर से लैस भाष्कर जिसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है, भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान उत्तात अवधारणा और परिकल्पना से विहीन जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और झलकती हुई जिंदगी के जिसके कारण दूर दूर तक उपनिवेशीकरण की योजना और सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रतिरूपण संभव हो सका था। छीण हो चली और उसके स्थान पर महासागर को पार करने पर रोक लगने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की वह विवेकपूर्ण चेतना जो प्राचीन समय से अत्यंत स्पष्ट थी, जिसके द्वारा विज्ञान की ओर अधिक विकास संभव होते हुए लुप्त होती गई, और विवेकहीनता और अतीत की अंधी मूर्त पूजा ने उसकी जगह ले ली। भारतीय जीवन की निस्तेज धारा अतीत जीवी हो गई और निर्जीव शताब्दियों के पुंज से होकर धीमी गति से बहती रही। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया, वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। आश्चर्य नहीं कि मानसिक जड़िमा और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का अपकर्षण होने लगा। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों की आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। मैं नहीं जानता कि इन युगों के दौरान किसी ऐसी भारतीय स्वप्न का अस्तित्व था जो सुस्पष्ट और सजीव हो, या कभी कभी उचाट नींद की मरमराहट में परिवर्तित हो जाता हो। भारत की तलाश। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने यद्यपि मुझे एक हद तक भारत की समझ पैदा की, लेकिन मुझे उसमें संतोष नहीं हुआ। नहीं, वे मुझ पर वह उत्तर दे सकी जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान में मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी और दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपने किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से इसी वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग बंदी और सीमाओं से जगड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसमें हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहती थी और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उन्हें बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था। अपनी भयंकर दुर्दशा और समस्याओं के विस्तार कारण नहीं, बल्कि इसके लिए कुछ और मूल्यों के निष्कर्षों के संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। हमारे भीतर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई जो हमारे पिछले माहौल और अनुभव पर निर्भर थी। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले ही परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने इन लोगों को सहज रूप में स्वीकार कर लिया, पर मेरे लिए यह सभी अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बातें थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता था। जहाँ तक संभव हो मैं उनके बारे में मात्र सैद्धांतिक अमूर्त सत्ता के रूप में सोचने से बचने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व, इनके विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदाय के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ।
चूँकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षा नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और उसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंत शक्ति और जिसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है बहुत ही कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया, फिर भी कुछ ऐसा बच गया जो सार्थक और उसके साथ साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्कर है। भारत माता। अक्सर मैं एक के बाद एक सभा में जाता और श्रोताओं में से अपनी एक देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक के नाम से व्युत्पन्न इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे, पर सीमित नजरिया वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इनका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मैंने उनके उत्तर में दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की भी जो सबके लिए और भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, मैंने उन सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास में कन्याकुमारी या केप पोमेरियन पोमरेन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझे किसानों के एक जैसे सवाल पूछे क्योंकि उनकी समस्या समान थी। गरीबी, कर्ज, नेह स्वार्थ, जमींदारी, महाजन, भारी लगाना, कर, पुलिस के अत्याचार और ये सब उस ढांचे में निपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही यह कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके कि हम एक हिस्से हैं। यह काम बहुत आसान नहीं था किंतु उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्य, पुराण गाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कभी कभी जैसे कि मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनके अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार में उसका क्या आशय है, यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरा प्रश्न उनके मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें और तब वे एक दूसरे की ओर फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता, आखिर एक हट्टा कट्टा जड़ जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके पांव के टुकड़े की या जिले की, राज्य की, तमाम टुकड़ों की या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्न उत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर कहते, भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोचा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उनकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत की माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। अब बात करते हैं भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, यह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के बासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन से, खाने और पहनावे में और जाहिर है भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की झलक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य विलक्षण रूप से रूसी ओजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं क्योंकि सीमा के ये प्रदेश साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़े हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियों जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी।
सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे और विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ साथ